एसआरएच और मुंबई इंडियंस के मैच में कई अटूट रिकॉर्ड्स बने जो कभी ना टूटने वाले हैं, और हार्दिक की भी क्लास लगी, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों बता दें कि सनराइज़र्स और मुंबई के मैच में सनराइज़र्स ने आईपीएल का सबसे लंबा टोटल खड़ा किया, इससे पहले किसी भी टीम ने नहीं किया था। 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ ये कारनामा किया था आरसीबी ने, 263 रन बनाए थे, लेकिन एसआरएच ने उससे लंबा टारगेट खड़ा कर दिया। ऐसे में हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी अब आंख पड़ने लगी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरह से दोनों मैचों में मुंबई को शिकस्त झेलनी पड़ी और वो भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, इससे हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी खतरा आ चुका है। हो सकता है रोहित शर्मा को एक बार फिर मुंबई टीम का कप्तान बनाया जा सके, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से हिटमैन और अपने सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के साथ व्यवहार किया, ये दर्शकों को पसंद नहीं आया और दर्शक हार्दिक पांड्या के खिलाफ हैं। और बाद में मैच खत्म होने के बाद देखा गया कि आकाश अंबानी और हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह एक साथ देखे गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की जरूर क्लास लगी होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं रोहित शर्मा एक बार फिर टीम के कप्तान बने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।